नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। तो पिछले वीडियो को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। सो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, हाउ कैन द अल्फा पेरी अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर के लिए आपने देखा इसकी वैल्यू जो है अल्फा की नेगेटिव होती है तथा पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए। और साथ ही साथ आपने इन द लेटर हाफ आपने देखा कि जो है कि विथ द वॉल्यूम, कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, What happens when a conductor is stretched or compressed? तो आपने देखा था कि किस तरह से रजिस्टर के किस तरह से रजिस्टेंस वैल्यू में परिवर्तन आता है, डिफरेंसेस आता है। हाउ डज द रजिस्टेंस, तो आपने देखा था R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर था एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर था। कब? जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था तब। सो कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि विदाउट कीपिंग द कॉन्स्टेंट एज ए वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखे हुए वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट, क्योंकि इसको यदि लगाते हैं फिर यू विल बी डेफिनेटली पेनलाइज्ड फॉर दैट। नाउ द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो तीन का है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को भी हम लोग डिस्कस में ही रखेंगे। पहला है रजिस्टेंस को, जिसे हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं। जो तीसरा है वो है इंडक्टर। इंडक्टर मैं इनको बताऊंगा भी क्या है, रजिस्टर को आप पढ़ चुके हो, कैपेसिटर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें ही पढ़ाना है तो मैं यही इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देन आफ्टर इंडक्टर्स को, और उसके बाद हम लोग सेल्स को देखेंगे, सेल को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में। कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है आप देख लीजिए। सीरीज का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए ये एक एलिमेंट रहा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टेंस है ये, सपोज करिए ये दूसरा रहा, ठीक है, तो इसका जो पहला एंड है दूसरा एंड ये रहा। अब इस आर वन का, ये सपोज करिए आर टू है, आर टू का पहला एंड और आर वन का दूसरा एंड एक साथ कपल कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी कि अब यहां से जो करेंट फ्लो होगी दोनों में सेम होगी, समझ पा रहे हैं आप, दोनों में सेम होगी। जबकि यदि हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जबकि यदि हम आप पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो क्या होगा, कुछ जो पोटेंशियल V है तो कुछ पोटेंशियल यहां कंज्यूम होगा और कुछ पोटेंशियल यहां कंज्यूम होगा, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, कितनी है, ठीक है। ग्रेटर द रेजिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल व्हेन द कॉम्बिनेशन इज सीरीज, ठीक है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन को ही, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। समझ लीजिए अपन लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स और सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो पहला जिसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट कर लीजिए आप, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट हैपेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मैंने बताया एक रजिस्टर रहा आर वन, सपोज करिए एक दूसरा रजिस्टर रहा आर टू, ठीक, इसका पॉइंट ए रहा और इसका दूसरा एंड बी रहा, इसका सपोज करिए सी रहा, इसका डी रहा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द सीरीज, हम लोग ए रजिस्टर को यानी कि आर वन रजिस्टर को और आर टू रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो करेगी, यानी कि इसको लाके यहां से हम लोग कनेक्ट करते हैं, सपोज करिए, और यहां को इसको पोटेंशियल एक दे दें और दूसरे वाले को यहां से पोटेंशियल दे दें, वी दे दें, दिस इज हाउ, यानी कि पहले रजिस्टर के दूसरे एंड को और दूसरे रजिस्टर के पहले एंड को, यानी पहला के दूसरे को दूसरे के पहला से यदि हम लोग इस कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। नाउ टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि आपके पास दो रजिस्टर्स हैं आर वन यही वाले एंड आर टू, सच दैट सारे रजिस्टर्स के एक एंड को आप एक जगह कनेक्ट कर दें और सारे रजिस्टर्स के दूसरे एंड को एक जगह कनेक्ट कर दें और इनको लाके आप पोटेंशियल दे दें, मतलब कि विभव दे दें, यानी वोल्टेज बैटरी से जोड़ दें आप, सपोज करिए इन द सिंपल टर्म, तो क्या होगा, करंट अब बढ़ जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी और कुछ करंट यहां जाएगी, लेकिन दोनों पे जो वोल्टेज होगा सेम होगा। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, यदि सारे रजिस्टर्स के
एक एंड को, पहले एंड को एक साथ कनेक्ट कर दें, दूसरे एंड को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यदि हम इस तरह से कॉम्बिनेशन रखें कि पहले के दूसरे एंड को दूसरे के पहले एंड से, तीसरे के दूसरे एंड को तीसरे के पहले एंड को चौथे के दूसरे, इस तरह से जोड़े, यानी पहला के दूसरे के दूसरे के पहला से, समझ पा रहे हैं? इस तरह से ये रहा, मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से। तो देखिए, पहले के दूसरा के दूसरे के पहला से, दूसरे के दूसरे को तीसरा के पहला से, तीसरा के दूसरे को चौथा से पहले से, दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन गोस इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वेल डन, आप बड़े ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज, दो मुख्य प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए, मेन प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो आप पहले ही नोट करिए, प्रॉपर्टीज नोट करिए। प्रॉपर्टीज में आप पहला ये नोट करिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होती है। तो पहला लिख लीजिए सेम करंट फ्लो या सेम करंट। ठीक है, सेम करंट आपको जैसे लिखना हो लिख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एलिमेंट में, हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगी। मतलब यदि यहां से 5 एम्पियर चली, इससे भी 5 एम्पियर करंट पास होगी, इससे भी 5 एम्पियर, इससे भी 5 एम्पियर, यदि कोई और रहता उससे भी 5 एम्पियर करंट फ्लो होती। तो वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट, सर्किट में सेम करंट रहती है। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि अब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। यदि हम इसको सपोज करिए, हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो जो भी हम लोग पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करेंगे अब पट जाएगा। सपोज करिए यहाँ 10 वोल्ट है, सपोज करिए यहाँ 8 वोल्ट है, तो सपोज करिए सारे कॉम्बिनेशन इक्वल है, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे बढ़ जाएगा। या रजिस्टर की वैल्यू यदि बदलती है, अलग अलग होती है, तो वो बदलता जाएगा, किसी का 1.5 किसी का 3.5, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। नाउ पॉइंट आई एम टेलिंग इज, वोल्टेज वेरी करता है। वोल्टेज का क्या होता है? डिवीजन होता है, याद रखिएगा। करेंट सेम, वोल्टेज का डिवीजन होता है। कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आइए पैरेलल की चर्चा करते हैं। पैरेलल में देखिए आप क्या हो रहा है। सपोज करिए यहां से आई करंट निकली, तो यहां I1 फ्लो होगी और यहां I2 होगी फ्लो, क्योंकि इधर से कुछ फ्लो करेगी और इधर से कुछ फ्लो करेगी, डेफिनेटली। तो यानी कि प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी नोट करिए, प्रॉपर्टी इसकी ठीक उल्टा होती है। क्या? इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो करंट होता है वही पट जाती है, यानी करंट का डिवीजन होता है। नोट कर लीजिए, द डिवीजन ऑफ करंट टेक्स प्लेस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये जितना वोल्ट है उतना वोल्ट इसको भी मिल रहा है, उतना ही वोल्ट इसको भी मिल रहा है, यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज ये सेम रहता है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स में यहां जितना वोल्ट होगा उतना ही इतना वोल्ट होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? करंट सेम रहता है, वोल्टेज का डिवीजन होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन होता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यदि रहे तो सीरीज है, ऐसा कॉम्बिनेशन रहे, एक और रहे, सपोज करिए कितना भी आप ऐड कर सकते हो, तो सारे के पहले एंड को एक साथ जोड़ेंगे और सारे के दूसरे एंड को एक साथ जोड़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि पहले एंड को दूसरे से, दूसरे एंड को पहले से, इस तरह से जोड़ दें कि करंट सेम फ्लो करे, दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज और पैरेलल आप समझ लिए ना, यही चीज है जो आपको समझना है। ये सीरीज और पैरेलल का जो किस्सा है वो सब में सेम है। सब में सेम का मतलब सीरीज और पैरेलल इसी को बोलते ही है, चाहे वो रजिस्टर रहे चाहे कैपेसिटर रहे। यदि कैपेसिटर भी रहे, इस तरह से सपोज करिए, यदि कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और इसी तरह से कैपेसिटर इसको पहले एंड को यहाँ पे और इस तरह से जोड़ दिया जाए कैपेसिटर को, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे और इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। होप यू आर कंफर्टेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और इंडक्टर भी रहा, सपोज करिए इंडक्टर रहा, ये रहा आपका, ये L1 रहा और ये L2 रहा, तो इंडक्टर्स में भी आपको सीरीज और पैरेलल नहीं भूलना है। सीरीज का मतलब हो गया पहले एलिमेंट के दूसरा एंड को
दूसरे एलिमेंट के पहले एंड को एंड से जोड़ते हैं। दिस इज इसका दूसरा एंड ये रहा और इसका पहला एंड ये रहा, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 कॉम्बिनेशन होगा। जबकि इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सारे के वन को एक जगह और सारे एलिमेंट्स के टू को एक जगह हम लोग कंबाइन करते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट। हमने इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमने वीडियो एक प्लेलिस्ट में क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे, वहां बेसिक से क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए इक्विवेलेंट, तो हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, पहला लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास कॉम्बिनेशन कैसा है, कुछ इस प्रकार से है। सपोज करिए डॉट 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 एन एलिमेंट जुड़े हुए हैं सीरीज में, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर वन है, इसकी आर टू है, डॉट डॉट करते हुए इसका वैल्यू आर एन है। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का सीरीज है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना, जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड हाउ डू वी फाइंड इट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट को इससे डिनोट करते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल को आप जोड़ दीजिए अलजेब्रिक। सपोज करिए ये दो रहा ये तीन रहा, तो यदि दो ही रहे तो दो और तीन मिलकर पांच हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 जितने हैं उतने को आप अलजेब्रिक रूप में जोड़ दीजिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सारे रजिस्टर को एक साथ जोड़ देते हैं। अभी मैं रजिस्टेंस बता रहा हूं, कैपेसिटर और इंडक्टर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रजिस्टेंस के केस में सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं अलजेब्रिक सम आर वन प्लस आर टू। ये फंडामेंटल इक्वेशन रहा, आपको याद रहना चाहिए, आप इसको भूल ही नहीं सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डेयर टू फेल टू फॉरगेट इट। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट निकालने का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जरा नोट करिए इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैसे, पहले ये देख लेते हैं। ये दो इक्विवेलेंट रहा, सपोज करिए दो रजिस्टर रहा, तो सारे दोनों दो रहा या तीन रहा जितने भी रहे एक और ले लीजिए, क्या फर्क है, नो फर्क नो टेंशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को जो करना है वो ये करना है कि इनकी वैल्यू सपोज करिए आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है, अपने को इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है वन बाई आर इक्विवेलेंट, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन। जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका वन अपॉन आर एन कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मिल जाएगा। कब, जब रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए ये फार्मूला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको भी भूल नहीं सकते। ठीक है, पैरेलल के केस में वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन थ्री आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, सपोज करिए ये 10 ओम रहा, ये 20 ओम रहा, सपोज करिए 10 ओम और ये 20 ओम रहा, सपोज करिए 30 ओम रहा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूँ इन तीनों को हटा के केवल एक रेजिस्टर लगाऊं और हमारा सर्किट उतना ही रह जाए, यानी कोई फर्क न पड़े, यानी इनको हटा के हम एक एक लिखें तो इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे। एक्चुअली इक्विवेलेंट का मतलब यही हुआ। तो इसको कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन टेन, आर वन का मतलब वन अपॉन टेन इजंट इट, आर टू का मतलब वन अपॉन ट्वेंटी प्लस वन अपॉन थर्टी। और आप मेरे से बेहतर जानते हो मैथमेटिक्स, तो आप इसको हल कर सकते हो। थर्टी ट्वेंटी एलसीएम यदि आप लिखो तो सिक्सटी हो जाएगा, यहाँ से सिक्स हो जाएगा, यहाँ से थ्री हो जाएगा और यहाँ से टू हो जाएगा। सिक्स और थ्री नाइन प्लस टू इलेवन, ठीक है, इलेवन अपॉन सिक्सटी। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए इधर से भी और उधर से भी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन 11। ऑलमोस्ट अगर आप कटाएं इसको तो 11 5 जो 55, फिर 50 हो गया, 11 4 जा 44, 4.5.4 ओम।
एक और ब्यूटीफुल कंक्लूजन अपने पास आ रहा है, ठीक है, क्या है? R इक्विवेलेंट 5.4 ओम रहा। यहाँ पे R1 10 ओम था, R2 20 ओम था, R3 30 ओम था। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है वो इंडिविजुअल वैल्यू से भी कम आती है, यानी जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा R इक्विवेलेंट, दैट इज फिक्स्ड। यदि ऐसा नहीं आता तो समझ जाइए आपका कैलकुलेशन गलत है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यानी कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालते हो, आप इस बात को पहले ध्यान में रखिए कि जो R इक्विवेलेंट का आंसर आ रहा है वो जो इसमें सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंक्लूजन आप लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू इज इवन लेसर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ये आपका कंक्लूजन रहा। यानी सबसे जो छोटा है उससे भी कम वैल्यू आएगी, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। कब? जब कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल रहा। व्हाट अबाउट सीरीज? सीरीज में ठीक इसका उल्टा होगा। सीरीज में सपोज करिए ये दो रजिस्टर्स रहे या तीन रजिस्टर्स रखिए, सपोज करिए ये 10 रहा, ये 10 रहा और ये 20 रहा। ओम है, यूनिट ओम होती है, आपको पता है ना, यूनिट ओम होती है। तो 10 ओम 10 ओम 20 ओम, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज तो बहुत ही आसान होता है, मतलब आराम से बस जोड़ दीजिए, 1/R भी नहीं करना है। तो 10 + 10 = 20 और 20 + 20 = 40, ये हो जाएगा 40 ओम। यानी कि वंडरफुल कंक्लूजन आप यहां से भी लिख सकते हो। क्या? व्हाट इज दैट कंक्लूजन? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो R इक्विवेलेंट आता है दैट वैल्यू इज इवन ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। यानी कि इनमें से जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा भी R इक्विवेलेंट आएगा। कब? जब कॉम्बिनेशन आपका सीरीज है तब। और पैरेलल में क्या था? ठीक उल्टा था। वह पैरेलल के केस में क्या था? जो R इक्विवेलेंट था सबसे छोटे से भी छोटा था, और इस केस में ये सबसे बड़े से भी बड़ा है। तो समझ जाइए दोनों में अंतर। यानी कि हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये LCM है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वो HCF है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर ओनली, ठीक है? ये LCM है और वो HCF है। चलिए, ये इक्विवेलेंट निकालने का तरीका रहा। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं इसी लगे है इंडक्टर की। मैं कैपेसिटर पे नहीं जा रहा हूं अभी, अभी इंडक्टर पे चलता हूं, ठीक है? इंडक्टर्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। इंडक्टर और रजिस्टर्स में कोई अंतर नहीं है कॉम्बिनेशन के बारे में। इंडक्टर की हेनरी होती है, ठीक है? हेनरी, इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी, हेनरी जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है? हेनरी, हेनरी होता है इसकी, ठीक है? हेनरी होता है इसका यूनिट, एच से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है? इसका सिंबल ये होता है, ठीक है? इनकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि हम इसमें करंट फ्लो कराएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम इनिशियली कोई करंट फ्लो करें तो ये करंट चेंज का विरोध करता है। अभी जब हम AC आपको पढ़ाएंगे उसमें इंडक्टर की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बताएंगे, वो प्रॉपर्टी को डिटेल में बताएंगे। अभी शॉर्ट में ये समझिए कि यदि हम इसमें 10 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगी, या ये कहें सर, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जिया। इंडक्टर को ही, इंडक्टेंस को ही, ये जो प्रॉपर्टी, इंडक्टर एलिमेंट होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रजिस्टर की प्रॉपर्टी को रजिस्टेंस बोलते हैं, उसी तरह से इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसकी यूनिट हेनरी होती है, ठीक है? तो इसका जो, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। इलेक्ट्रिकल इनर्सिया का मतलब क्या हुआ? 11th में आप पढ़ रखे होंगे इनर्सिया का मतलब क्या हुआ। इनर्सिया का मतलब अपने जो स्थिति है उसमें परिवर्तन को वो अपोज करता है। यानी कि यदि इसमें से 10 एम्पीयर की करंट मान लीजिए सपोज करिए फ्लो हो रही है, और यदि हम उसको 0 कर दें तो भी ये उस परिवर्तन का विरोध करेगा। वो चाहेगा कि कुछ समय के लिए 10 एम्पीयर ही फ्लो होती रहे, या यदि कोई करंट फ्लो नहीं होती है और वी आर अलाउइंग इट टू फ्लो थ्रू सम करंट, तो उसका अपोज करेगा, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो विल डील
अभी हम लोग कॉम्बिनेशन उसका देखते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब इनको कैसे कंबाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये ठीक रजिस्टर की तरह ही जुड़ता है, यानी कि सपोज करिए दो इंडक्टर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये L1 रहा और ये L2 रहा, ये दो एंड रहा, तो इसमें इसको भी सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ठीक एकदम वही है जो कि रजिस्टर्स का है, L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 LN, ठीक है। तो रजिस्टर और इसके कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा है। व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के तरह ही 1 बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस डॉट 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 1 बाई एल एन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कनेक्ट दीज टू रजिस्टर और इंडक्टर को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आपने क्या देखा, इंडक्टर के केस में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसे इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर के केस में भी जो R इक्विवेलेंट निकलता है सीरीज के केस में ठीक रजिस्टर के तरह होता है। वहां भी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN था, यहां भी L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस LN प्लस डॉट 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 है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक वैसा ही है, यानी 1 बाई L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 प्लस 1 बाई L4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और इंडक्टर सेम होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है, सिंबल का डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ जाइए। यानी कि यदि हम एग्जांपल की बात करें, सपोज करिए वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज करिए अपने पास दो रजिस्टर्स इंडक्टर रहा, एक 10 हेनरी का है और एक 20 हेनरी का है, ठीक है। तो यदि सीरीज में कंबाइन कर दें, सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में, यानी सीरीज में है अभी, तो सीरीज में ये एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट हो जाएगा एल वन प्लस एल टू, यानी 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30 हेनरी, ठीक है, 30 हेनरी वैल्यू हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इस तरह से सपोज करिए दो रजिस्टर आपके पास हैं, सपोज करिए दो इंडक्टर्स आपके पास हैं और इस तरह से ये कनेक्टेड है, हाउ दे L1 इज इक्वल टू 10 ओम 10 हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 20 हेनरी, व्हाट विल हैपन, हाउ द डिफरेंस इज कमिंग फ्रॉम बिटवीन द इंडक्टर एंड द रजिस्टर। अभी देखिए ये 20 ओम है और हेनरी ये 20 और ये 10, तो आपको अगर इक्विवेलेंट निकला है तो 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, यानी 1 बाई L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। आप एलसीएम ले लीजिए, 20 मिल जाएगा, 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 बाई L इक्विवेलेंट, यानी कि यदि L इक्विवेलेंट निकाल दें आप तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 3, ठीक है, 20 अपॉन 3 ऐसे होता है। यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर के केस में आपको कॉम्बिनेशन दो तरह से नहीं याद रखना है, दोनों एक से होते हैं, मतलब दे आर कनेक्टेड इन द सिमिलर फैशन, देयर कैलकुलेशन इज डन इन द सिमिलर फैशन। आर इक्विवेलेंट जिस तरह से निकालते हैं, जो फार्मूला यूज करते हैं, एल इक्विवेलेंट भी उसी फार्मूले से निकलता है और उसी तरह से हम लोग उसको भी कैलकुलेट करते हैं, यानी आर सीरीज के केस में। चलिए एक बार फिर से, सीरीज के केस में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इंडक्टर के केस में एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, पैरेलल केस में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल के ही केस में, इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, 1 बाय L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, कैपेसिटर के देखते हैं। कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है, जो कि रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है, जब हम एसी पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे किस तरह से एसी को ये रोकता है और डीसी को रोकता है और एसी को पास करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, आप हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स का सिंबल ये होता है, ठीक है, इसे सी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं फैराड, क्या बोलते हैं फैराड, ठीक है, इसकी यूनिट होती है फैराड,
इसको सी बोलते हैं, इसके यूनिट होती है फैरड, ठीक है। अब इनके हमें इसी से मतलब है, अभी हम लोग कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कंबाइन कैसे करते हैं, ये एक एलिकेबल एलिमेंट है, रजिस्टर देखा था आपने, ठीक उसी तरह से इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए, अब कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सपोज करिए ये सी वन रहा और अपने पास एक दूसरा रहा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सी टू है, तो इसमें भी दो प्रकार का कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। दो प्रकार का कम्बिनेशन मतलब एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज के केस में क्या होता है, देखिए ये इस तरह से रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सीरीज कम्बिनेशन है, सीरीज तो पक्का है सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अगर एक और रहा तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको बोल देंगे सी थ्री। अब इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट जैसे ही निकालते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो एक बात जो खास है वो ये है कि जो फॉर्मूला हमने इंडक्टर और रजिस्टर के केस में लगाया था इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक उल्टा हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी सीरीज वाला जो फॉर्मूला है वो पैरेलल में लगेगा यहाँ, और जो पैरेलल वाला फॉर्मूला था यहाँ सीरीज में लगेगा। यानी कि अभी जो सीरीज वाला हमने फॉर्मूला फिगर बनाया था आपको, इस तरह से फिगर जो बनाया था, यदि आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, सपोज करिए सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना, वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन, सीरीज के केस में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ये रहा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन केस ऑफ सीरीज, इतना हेनरी हो जाएगा, फैराड कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फैराड को, ठीक है। वन अपन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपन सी वन प्लस वन अपन सी टू प्लस वन अपन सी थ्री डॉट डॉट डॉट। कैसा रहा ये कॉम्बिनेशन, ये रहा अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पिछला जो हमने सीरीज वाला फॉर्मूला देखा था वो इस्तेमाल होता है। सपोज करिए ये सी वन रहा और ये रहा अपना सी टू, सी वन और सी टू को हमने कंबाइन कर दिया, सपोज करिए सी वन और सी टू को हमने कंबाइन कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल के केस में रजिस्टर वाला सीरीज वाला फॉर्मूला आप यूज करिए, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो कोई पूछे कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और संधारित्र को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल वाला फॉर्मूला, पैरेलल के केस में सीरीज वाला फॉर्मूला। तो ये अभी सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वन अपन नहीं लग रहा है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वन अपन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपन सी वन प्लस वन अपन सी थ्री प्लस वन अपन सी थ्री। सपोज करिए इसकी वैल्यू 10 फैरड है, इसकी वैल्यू 5 फैरड है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि दो ही है अभी, प्लस डॉट 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 कर देंगे, यानी दो है, यानी 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 फैरड, कितना फैरड हो जाएगा, 10 प्लस 2 को हम लोग जोड़ देंगे ऐसे ही, तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, तो 15 फैरड हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान। क्या होता है यदि इन्हीं 10 और 5 जो कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है, फैरड वाले कैपेसिटर्स को हम यदि सीरीज में जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 10 सपोज करिए फैरड है और ये 5 फैरड है, और इनको आपने जोड़ दिया कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा आपको वो मिलेगा, तो वन अपन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में वन अपन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपन सी वन मतलब 10 प्लस वन अपन सी टू मतलब 5, इसको आप हल कर लीजिए 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, वन अपन सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जो सी इक्विवेलेंट होता है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 10/3 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, इतना फैरड हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। आपको रजिस्टर्स वाला याद है, रजिस्टर की तरह इंडक्टर होता है उसको भी याद है आपको, और इनका ही ठीक उल्टा होता है कैपेसिटर के केस में। यानी जो रजिस्टर का सीरीज होता है कैपेसिटर का पैरेलल होता है, जो कैपेसिटर का पैरेलल होता है रजिस्टर का सीरीज होता है। यही दो पॉइंट आपको जो याद रखना है, ठीक है। होप आप कंफर्टेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर ऑफ रजिस्टर से, यानी रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सेल को कैसे कंबाइन करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा वो किस तरह से डिटरमाइन करता है कि सेल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो सपोज करिए E1 E2 R1 R2 रहा, तो उसको हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तथा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि कलर कोड जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग उनको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो दीज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द जस्ट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो बी विद MS Academy एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। योर फीडबैक इज़ वेरी मच मैंडेटरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच।